नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल आज महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड समारोह में पहुंचे और पासिंग आउट परेड समारोह में पहुंचकर सलामी ली। डीजीपी ओपी सिंह ने सीएम योगी का स्वागत किया। महिला पुलिस परेड ने सीएम योगी को सलामी दी। सीएम योगी ने किया पुलिस परेड का निरीक्षण। महिला पुलिस परेड की आप इस समारोह में देख रहे हैं। सीएम योगी के आगमन को लेकर ये लाइव तस्वीरें फिलहाल लखनऊ से आप देख रहे हैं। महिला पुलिस परेड ने सीएम योगी को सलामी दी और लखनऊ से ये पासिंग आउट परेड की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला पासिंग आउट परेड समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। महिला पुलिस परेड ने सीएम योगी को सलामी दी। डीजीपी ओपी सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान में पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं। पासिंग आउट परेड समारोह में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया डीजीपी ओपी सिंह ने। महिला पुलिस परेड ने सीएम योगी को सलामी दी। लखनऊ से ये पासिंग आउट परेड की सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। पासिंग आउट परेड की लाइव तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं। पासिंग आउट परेड समारोह में सीएम योगी ने सलामी ली। महिला पुलिस ने पासिंग पैड के दौरान में देखिए लगातार सलामी दी और तस्वीरें उस दौरान की लगातार हम देख रहे हैं आपको। पासिंग आउट परेड की लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर पासिंग आउट परेड में सीएम योगी ने शिरकत की और इस दौरान में डीजीपी ओपी सिंह ने उनका स्वागत किया। आप तस्वीरें देखिए उस दौरान के, जब पासिंग आउट परेड में सीएम योगी ने शिरकत की और उसके बाद में तमाम जो यहाँ महिला आरक्षी थी उन्होंने पासिंग आउट परेड की और सलामी दी सीएम योगी आदित्यनाथ को। अनोखा ही नज़ारा लखनऊ से फिलहाल आप देख रहे हैं। पासिंग आउट परेड का नज़ारा देखिए। पासिंग आउट परेड जब होती है तो अपने आप में ही एक अलग ऊर्जा, एक अलग ही स्फूर्ति नज़र आती है। जो सलामी देने वाले हैं वो भी, और ख़ुद जब सीएम योगी ने सलामी ली है तो उनमें भी एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही स्फूर्ति नज़र आ रही है। क्योंकि ये देखिए माहौल कुछ ऐसा यहाँ पर होता है जब भी पासिंग आउट परेड होती है। पासिंग आउट परेड के दौरान में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे। डीजीपी ओपी सिंह भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में उनके साथ मौजूद रहे। उनका स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ का डीजीपी ओपी सिंह ने ही किया इस पासिंग आउट परेड के दौरान में। तो ये पासिंग आउट परेड समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला पासिंग आउट परेड थी ये, और इस दौरान में महिला पुलिस कर्मचारियों ने सलामी दी सीएम योगी आदित्यनाथ को। पासिंग आउट परेड समारोह में सीएम योगी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला पुलिस परेड ने सीएम योगी को सलामी दी। सीएम योगी ने पूरे जोश और उत्साह के साथ में सलामी ली। लखनऊ की तस्वीरें हैं पासिंग आउट परेड की। परेड चल रही है, क्या पासिंग आउट परेड, क्या जिनकी क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या तो है ये। सर्वोत्तम उत्वीर महिला प्रशिक्षु जनपद लखनऊ सुश्री अंजनी पांडे उन्होंने रिजर्व पुलिस क्राइम जनपद लखनऊ में मां तथा अंतर प्रशिक्षण में अपने बैच में पूरा 1500 के सापेक्ष 1337 अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। इन्हें सर्वांग सर्वोत्तम महिला प्रशिक्षु घोषित किया गया है। सुश्री अंजनी पांडे, जोरदार तालियां आप सभी की सुश्री अंजनी पांडे के लिए, जो कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सम्मानित हो रही है। अंजलि 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 इधर घूम जाओ।
ये क्षण है बहुत ही ऐतिहासिक इन सभी के जीवन में और साथ ही साथ इनके परिवार के लोगों के लिए भी, और इसमें आप सभी का साथ सहयोग का उत्साह मिलता है तो निश्चय ही ये बात और भी खूबसूरत। खबर लखनऊ से, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर आज जब सरदार पटेल की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और सीएम के साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल ने अंग्रेजों के मंसूबों को ध्वस्त किया, 563 रियासतों को भारत में शामिल किया। सरदार पटेल के व्यक्तित्व के अनुरूप विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कश्मीर धारा 370 खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के विधान में लाने में सफलता हासिल हुई। वहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए एक नया आदर्श है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि एनआरसी के मुद्दे पर भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरदार पटेल जी का परिनिर्वाण हुआ था। एक ओर जहां दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित मानवता के लिए भारत सदैव एक शरणस्थली रही है, भारत का यह मानवीय दृष्टिकोण सिटीजन अमेंडमेंट बिल के माध्यम से हम सब ने भारत सरकार के वर्तमान संकल्पों, जो दुनिया के मानवता के लिए एक नया आदर्श है, इस रूप में अभी पारित होते हुए देखा है। तो दूसरी तरफ एनआरसी के मुद्दे पर हम भारत की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र और भारत की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की सेंध को स्वीकार नहीं करेंगे। एनआरसी के मुद्दे पर भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं पर पूरे देश को एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग और समर्थन देना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के उनके संकल्पों के साथ हम सबकी यही श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार पुनः भारत माता के इस महान सपूत को उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। एक ओर जहां वाराणसी दौरे पर केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान की निंदा की और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए वरना उनके बुरे कर्मों से कांग्रेस और डूबेगी। शिवसेना ने स्वार्थ की वजह से अपने विचारों को त्याग दिया। बहुत दुर्भाग्य है देश का कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के आज़ादी के लिए सबसे अधिक कष्ट जिस स्वतंत्रता सेनानी ने भोगा, उनका नाम है श्री वीर सावरकर, महान स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी। और उस बहादुर सावरकर जी के बारे में इतनी हल्की टिप्पणी के बाद इंडिया के बारे में शब्दावली का गलत प्रयोग और सब पर हठधर्मिता की यह हद हो गई है। इसके लिए राहुल गांधी को पुनः मेरी सलाह है कि दोनों बातों के लिए माफ़ी मांगे, वरना उनके इन कर्मों से कांग्रेस जहां तक डूबी है और बुरी तरह डूबी है। बहुत दुर्भाग्य है देश का कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश। महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड की तस्वीरें फिर से आपको दिखाते हैं। लखनऊ से जहां पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सलामी ली है। पासिंग आउट परेड समारोह की तस्वीरें जिसमें पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद के हमारे मंत्रीगण, लखनऊ के
कारीगण, प्रशासनिक गण इस दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए विभिन्न अतिथिगण, हमारे रिक्रूट के परिवारजन और इस परेड में शामिल हो रहे हमारी सभी रिक्रूट महिला पुलिसकर्मी एवं साथियों, सबसे पहले मैं अपने महिला रिक्रूट आर्चियों के शानदार एवं भव्य परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लखनऊ एवं सीतापुर में प्रशिक्षित 600 से अधिक महिला आरक्षियों के इस दीक्षांत परेड में जो मार्च करके अपने फुट ड्रिल एवं आर्म्स ड्रिल का प्रदर्शन किया वह सचमुच में सराहनीय है। मैं इस परेड के कमांडर, सभी टोलियों के कमांडर्स एवं ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रदर्शन से कठिन और सारगर्भित ट्रेनिंग का एहसास कराया है। मैं इस दीक्षांत समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से इस पासिंग आउट परेड के लिए समय निकाला। महोदय, आपकी उपस्थिति एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदेश को सक्षम एवं व्यवसायिक रूप से दक्ष पुलिस बल के लिए हमेशा आगे और कटिबद्ध बनाता है। पिछले 2 सालों में पुलिस भर्ती की कार्यवाही में तेजी लाते हुए रिकॉर्ड समय में पहले से लंबित चल रही कई हजार आरक्षी एवं पीएसी की भर्ती की प्रक्रिया को आपके द्वारा पूरा कराया गया। आपने भर्ती में जितनी रुचि दिखाई वो शायद पहले कभी नहीं दिखाई गई थी। अभी तक 80,000 से ज्यादा सीधी भर्तियों की गई है जिसमें 75,000 से ज्यादा आरक्षी हैं। सब इंस्पेक्टर्स 3,500 से ज्यादा, लिपिक वर्क लगभग 250 और कंप्यूटर ऑपरेटर्स 600 से अधिक, इन सभी की भर्तियां पिछले 2 वर्षों में की गई हैं। पिछले 2 वर्षों में न केवल हमने भर्तियां की हैं बल्कि 46,000 से भी ज्यादा पदोन्नति दी गई है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस पूरे 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये निर्देश दिया कि न केवल भर्तियां की जाए बल्कि जो बहुत समय से लंबित हमारे प्रमोशन हैं उनको भी किया जाए, और यही कारण है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी में 35,000 से ज्यादा प्रमोशन दिए गए और इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर्स में भी 11,000 से ज्यादा प्रमोशन पिछले 2 वर्षों में दिए गए। सीधी भर्ती के लिए 61,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट की कार्रवाई वर्तमान समय में प्रचलित है और प्रमोशन के लिए 33,000 से भी ज्यादा की कार्रवाई प्रचलित है जो आने वाले 2 से 3 महीनों के बीच कर दिया जाएगा। इसी प्रकार इस वर्ष हमने लगभग 5,000 पदक व सम्मान चिन्ह विभिन्न पुलिस कर्मियों को दिया है जिनमें राष्ट्रपति का पदक, पुलिस पदक, गृह मंत्रालय भारत सरकार का उत्कृष्ट सेवा पदक, महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पुलिस पदक दिया जाता है वो इसमें शामिल है। महोदय, वर्ष 2018 में प्रदेश में पहली बार इतनी संख्या में भर्ती की गई और उस भर्ती के बाद प्रशिक्षण का जो दौर चला उस प्रशिक्षण में हम लोगों ने पहली बार केंद्रीय पुलिस संगठनों को भी शामिल किया। पहली बार हम लोगों ने डिजिटल प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया और 31 ऐसे केंद्र थे जिस पर वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए गए जिससे महत्वपूर्ण विषयों पर सीधे प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के साथ साथ और भी कई चीजों को हम लोगों ने शुरुआत की। महोदय, आप ही ने अपने कर कमलों द्वारा इस वर्चुअल क्लासरूम को वर्ष 2018 में शुरुआत किया था और आप ही के द्वारा इस पूरे ट्रेनिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए जिनमें मुख्यतः 2 नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शामिल है, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय कालपी जालौन एवं पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुल्तानपुर। इन दोनों के आ जाने से हमारे प्रशिक्षण क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है
और इस प्रकार आने वाले समय में जो हम भर्तियां करेंगे उसमें हमें प्रशिक्षण देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। महोदय, आपने जो प्रशिक्षण में रुचि ली है उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए आधुनिक व वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एवं डिजिटल कंटेंट शामिल है। मैं इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि इन महिला पुलिसकर्मियों ने काफी कठिन परिश्रम किया और कल 16 तारीख को पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ अपने अपने केंद्रों में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस का कार्य संविधान और विधि व्यवस्था का अनुपालन करते हुए समाज को सुरक्षा प्रदान करना है। महोदय, इन सभी पुलिसकर्मियों को बहुत सी चीजें बताई गई हैं और उनमें ये नवीन पाठ्यक्रम लगाया गया है जो हमारी ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस के माध्यम से थी। आपने स्वयं इन पाठ्यक्रमों के बारे में हमने कहा था कि इन्हें बहुत सारे ऐसी चीजों को पढ़ना होगा जो हमारे 21st सेंचुरी के लिए बहुत जरूरी है। नवीन पाठ्यक्रम एक समाधानकर्ता के रूप में विकसित किया गया है। पारंपरिक विषयों के साथ साथ महत्वपूर्ण समसामयिक बिंदु जैसे कंप्यूटर का ज्ञान एवं साइबर क्राइम, विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा, प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस जैसे IP कैमरा, GIS, GPS, ड्रोन, इन सभी चीजों को हम लोगों ने विशेष ध्यान देकर अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसी तरह हमने तो आप सुन रहे थे DGP OP सिंह को, जिन्होंने कहा कि CM योगी के आगमन पर आभार। फिलहाल रुकने बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।